तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। वीडियो एडिटिंग करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि ऐप बढ़िया चाहिए, बढ़िया यूट्यूबर चाहिए। क्या यही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एडिटिंग आप सीखो या ना सीखो, हम आप लोगों को बताएंगे। खाली आप लोग हमारा वीडियो एंड तक देख लीजिए, आप लोगों को 100% पता लगेगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वीडियो को स्लो मोशन कैसे किया जाता है, इफेक्ट्स कैसे लगाया जाता है, बढ़िया फिल्टर कैसे लगाया जाता है, एडजस्ट कैसे किया जाता है। आप लोगों को आज हम पूरा वीडियो बनाना सिखा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आ जाएगा वीडियो। तो चलिए फटाफट देरी न करते हुए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों हम लोग अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ओपन करना है एडिटिंग वाला। अभी आप लोगों को हम एप्लीकेशन का नाम लास्ट में बता देंगे, वीडियो के एंड में। आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आप लोगों को सबसे पहले बीटा ऐप ओपन करना है। प्लस का आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। इस पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो को अपने सिलेक्ट करना होगा, जो वीडियो है कोई भी वीडियो अपना सिलेक्ट कर लेना, जो आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो जो वही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम अपना एक पार्ट सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर आपको दूसरा पार्ट अपना सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट अपना सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ, ये है, तो मैं अपना नेक्स्ट पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है, चला के दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जब आप भी अपना वीडियो ओपन करेंगे तो। एडिट ऐसे करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अगर जैसे स्लो करना होगा वीडियो को, देखिए यहाँ पर मेरा वीडियो ये है, मुझे ये पार्ट यहाँ पर जो है पार्ट ये सिलेक्ट, ये पार्ट जो है हमें इतना जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, इतना हमें स्लो मोशन करना है। ठीक, तो हमें स्लो मोशन करना है, तो आपको जितना भी काटना हो उस पर पहले जो वाइट वाइट दिख रहा है लाइनिंग, उस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट का यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले ही है स्प्लिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए वीडियो स्प्लिट हो चुका है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जहां पर, जहां तक आपको स्लो मोशन करना हो वहां पर ले जाइएगा ये व्हाइट लाइन जो है, फिर स्प्लिट कर देना होगा। ओके, फिर इसके बाद आपको साइड में फिंगर टच करना होगा। देख लीजिए हमारा तीन पार्ट में वीडियो कन्वर्ट हो चुका है। अब चला के दिखा रहे हैं आपको, हमारा वीडियो कट ही चुका है। ठीक, ये देखिए हमारा वीडियो कट चुका है अभी। ठीक, तो हम अपना वीडियो स्लो मोशन करना है, तो आपको जो वीडियो स्लो मोशन करना हो, जो पार्ट उसे टच करना है, हमें बीच वाला स्लो मोशन करना है तो इसे टच करेंगे। ओके, इसको टच करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बैलूम है जहाँ, इसके साइड में से आना, ये देखिए साइड में है स्पीड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है स्पीड। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर है स्पीड। ठीक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड दिखेगा और दिखेगा कर्व। ओके, आपको स्टैंडर्ड पे जाना है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड का ऑप्शन दिया है, अगर हम इस तरफ करेंगे तो हमारा वीडियो तेज हो जाएगा, और अगर इस तरफ करेंगे साइड में तो हमारा वीडियो स्लो हो जाएगा। तो हमें वीडियो तो स्लो करना है, तो आप लोगों को हम तेज भी कर दे रहे हैं, यहाँ पर दो कर दे रहे हैं। ठीक, चेक कर दे रहे हैं, तो अब हम देख सकते हैं आप लोग कितना तेज हो गया हमारा पार्ट, देख सकते हैं, अभी देखेंगे आप लोग यहाँ से चला रहे हैं, थोड़ा रुकिए अभी, थोड़ा जब आप भी ऐसे करेंगे तो आपका वीडियो फंसेगा थोड़ा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए कितना तेज हो गया हमारा वीडियो, तो पर हमें तेज तो करना नहीं है, हमें स्लो करना है, तो इस पर क्लिक करना होगा बीच वाले पार्ट पर। ठीक है, थोड़ा वीडियो का पार्ट छोटा हो चुका है, छोटा हो चुका है इसीलिए, तो आपको यहाँ बीच का पार्ट
सिलेक्ट करना होगा, ठीक। बीच का पार्ट सिलेक्ट करना है तो फिर से उसी ऑप्शन पर जाना है स्पीड के। आपको अगर स्लो करना है तो स्टैंड पर इंस्टेंट पर चलिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर जितना स्लो मोशन करना है आपको कम करना है, हमें कम करना है 0.5 पर आपको लाना है, इतना पर लाने के बाद आपको सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको चलाना है वीडियो शुरू से, एकदम शुरू से, हाँ शुरू से चलाना है। ये देखिए ये देख लीजिए, हमारा वीडियो फाइनली स्लो हो चुका है, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट है, इतना जो हमारी फोटो आई है इतनी, इतना खत्म है जहां से, इतना हमें काटना है। तो इस पर क्लिक करना होगा थर्ड वाले पार्ट पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आगे जाना है। आगे जाने के बाद यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट का इसे डिलीट कर देना है आपको। ओके देखिए हमारा पार्ट डिलीट हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारा वीडियो बन चुका है। देखिए यहाँ पर बीच में स्लो हो चुका है, ये देखिए, उसके बाद ये देखिए लास्ट में तेज हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, स्लो और तेज करना तो आप सीख ही गएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि एडजस्ट कैसे किया जाता है, वीडियो को एकदम बढ़िया फिल्टर कैसे लगाया जाता है, तो चलिए बता दें। सबसे पहले हमें सबसे पहले वाले पार्ट पर लगाना है फिल्टर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको साइड में से चले जाना है। आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना है आपको एडजस्ट पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस दिखेगा, इस पर थोड़ा ऐसे तेज कर देना है, ऐसे थोड़ा तेज कर देना है इसे, ये देखिए तेज करना है, 38 पर लाना है। इसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, इसको थोड़ा तेज करना है, देख लीजिए इसको तेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सैचुरेशन पर चलना है, इसको थोड़ा तेज बढ़ा देना है, थोड़ा सा इसे 15 पर रख लीजिए, 16 पर, ठीक। इसके बाद आपको शार्पन पर चलना है, शार्पन पर चलने के बाद आपको बस अपने हिसाब से कर लेना है जितना अच्छा लगे, मैं फुल कर दे रहा हूँ। उसके बाद हाईलाइट पर चलना होगा, इसको थोड़ा कम कर लेना होगा या थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, 12 पर करना होगा। उसके बाद शैडो पर चलना होगा, शैडोज पर चलने के बाद इसे भी थोड़ा 44 पे कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपको आना होगा यहाँ पर, आना होगा फेड पर। फेड पर आने के बाद आपको थोड़ा सा तेज करना होगा यहाँ पर 34 पर करना होगा। उसके बाद आपको विजनेटल पर क्लिक करना होगा, इसको 28 पे कर देना है, उसके बाद सेट करना है, ठीक। उसके बाद आपको फिल्टर के ऑप्शन पर चलना है, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, साइड में देखिए, ये देखिए, इस पर क्लिक करना होगा। आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर देखिए थर्ड पर आपको दिखेगा पोर्ट्रेट 9, इस पर आपको क्लिक करना होगा, इसे लोड करना होगा, पहले लोड होगा, देखिए हमारा लग चुका है, ये ऐसा आ गया, ये खराब है। आप देख सकते हैं जो अच्छा हो आप चूज कर सकते हैं, हम पहला देख रहे हैं करके, यहाँ पर पहला देख सकते हैं आप लोग, ऐसा है फिल्टर यहाँ पर, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फिल्टर कैसे है। यहाँ पर फिल्टर है खराब, तो गलत के ऑप्शन पर चलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हुआ है, और ये वाला भी पार्ट हमें एडजस्ट करना है, तो इस पर क्लिक करना होगा, इस पर पहले पार्ट पर क्लिक कर दीजिए जहाँ से हमारा यहाँ पर सेकेंड पार्ट शुरू हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा आपको। अगर आपको जैसे हेलो ब्लर करना लगाना हो, हेलो ब्लर, तो आपको यहाँ पर अफेक्ट का दिखेगा ऑप्शन, अफेक्ट पर चलना होगा। अफेक्ट पर चलने के बाद आपको यहाँ पर अफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा बिलिंग पर, आगे आते रहिए। यहाँ पर आपको बिलिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो बिलिंग के ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखिए हेलो ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। लोड हो रहा है, देखिए लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो गया हमारा। तो आपको इस पर ये देखिए हेलो ब्लर हो गया है, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, इसे थोड़ा इसकी आपको स्पार्कल है जो, इसे थोड़ा कम करना होगा,
थोड़ा इसे अपने हिसाब से कर लेना, ज्यादा कम हम इतना कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको स्पीड जो है इसे थोड़ा कम करना होगा, स्पीड स्पीड कर देना होगा 67 पर, उसके बाद सही करना होगा। ठीक, सही करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वीडियो ऑन करना है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा तरीके से हो चुका है हमारा वीडियो ये। तो आपको ये थोड़ा स्ट्रेंथ जहाँ तक करनी हो वहाँ तक कर लेना, हमें कम करना हो तो इस पर क्लिक करना, इसे कम ऐसे कर देना। ठीक, और ज़्यादा करनी हो तो जहाँ तक ऐसे कर देना, हमें कम करना है क्योंकि पूरे वीडियो में लगाना नहीं है। तो इसे ऐसे पकड़ो और इसे ऐसे एकदम कम कर दो। ठीक, हेलो ब्रदर, हमारा लग चुका है, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो। इसे इसकी स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड थोड़ा कम कर दे रहे हैं जिससे जल्दी ना कटे। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग, हमारा वीडियो यहाँ पर बन चुका है बढ़िया से। तो यहाँ पर अभी थोड़ा हमारा ये वीडियो का जो है ना, इसे एडजस्ट कर देते हैं एकदम बढ़िया से। ये जो पेड़ का है इसे थोड़ा इसको एकदम बढ़िया हरा कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो पहला पॉइंट है पेड़ का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से चलना है एडजस्ट पर, एडजस्ट पर जल्दी से चलना होगा। एडजस्ट पर चलने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करके इसको फुल कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको एडजस्ट पर चलने के बाद सेचुरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है, ऐसे कर देना है, उसके बाद सही कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा शार्पन का ऑप्शन, इसको करने के बाद थोड़ा इसे बढ़ा देना है। ठीक, 94 पर कर देना या फुल कर लेना अपने हिसाब से, वीडियो के हम सही कर दे रहे हैं। ठीक, अब देख लीजिए हमारा वीडियो कितना अच्छा बन चुका है ये, क्या देख सकते हैं आप लोग। यही एडजस्टिंग इस सेकंड पार्ट में भी करना होगा क्योंकि कट गया है वीडियो, तो अलग अलग पार्ट में, तो इस पार्ट में भी एडजस्ट कर दीजिए आकर ऐसे साइड, चलिए साइड में चलने के बाद एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करना होगा सबसे पहले, फिर आपको सेचुरेशन पर चलना होगा, सेचुरेशन को बढ़ा देना है। ठीक, बस इतना ही करना होगा आपको। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो। फिर आप लोगों को यहाँ पर गाना लगाना होगा, बिना गाना के तो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। तो आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए अभी आप लोगों को हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जो है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, म्यूजिक पर क्लिक करना होगा। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर चलना है, देख लीजिए माई यहाँ पर लिखा है म्यूजिक, जो आपको अच्छा लगे कर देना। यहाँ पर माई पर चलना है, माई यहाँ पर नो मेरा सॉन्ग है नहीं डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये देखिए डिवाइस यहाँ पर जो गाना आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमें ये गाना एकदम मस्त लगता है, तो इसे प्लस कर दे रहे हैं। आप लोगों भी एकदम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो काट देंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो फिर मुझे मत कहिएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कितना बेहतरीन तरीके से एडिट हो चुका है, यूट्यूबर की तरह एकदम से मस्त। हेलो ब्रदर, वाला क्या एडजस्टिंग हो गया, फिल्टर लग चुका है, हर चीज लग चुका है। और हाँ, एक एक चीज और है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर जो ये दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर जो जहाँ पॉट काटे हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को फुल लगाना हो यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में, तो कैसे लगाए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा उसी पर, इस पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा अच्छा है, अच्छे अच्छे दिख रहे हैं फिल्टर्स, इफेक्ट बढ़िया बढ़िया है, जैसे चला कर देख चलेगा, थोड़ा शुरू में करके ऐसे चला रहे हैं, देखिए कैसे लगेगा अभी एकदम मस्त। थोड़ा अभी शुरू यहाँ पर पुल अप वाला ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करना होगा, और ये इफेक्ट डाउनलोड होगी, थोड़ा डाउनलोड होने के बाद सही कर देना है। सही करने के बाद आपको शुरू में चलना है और फिर से चलाना है।
देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा हमारा वीडियो बन चुका है दोस्तों। आप लोग भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं, खाली जो जो मैं बोला हूँ वही वही कर लीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिखना है तो वो भी बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन पर दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप एंड इंटर, जहां भी आपको करना है दो बार टाइप करना होगा आपको, ठीक है। इस पर एक बार टाइप करिए, उसके बाद आपको कुछ जो लिखना हो, मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे ये नेचर का है तो मैं लिख दे रहा हूँ आई लव नेचर, कुछ इस तरह का आप लोगों को करना होगा। और आपको यहाँ पर फॉन्ट भी मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए टिक का ऑप्शन, सही का निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपको आई लव नेचर का नीचे आइकन दिख रहा है फॉन्ट का, इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक है। इसे अगर आप लोग जहां भी कर सकते हैं, जहां अगर आप लोगों को मुझे पूरे वीडियो में करना है, इसे बढ़ा देंगे पूरे वीडियो तक, ठीक, बढ़ा दिए तो अब पूरा हो जाएगा। तो इसका हमें रंग बढ़िया कलर चेंज करना है, मस्त करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर साइड में चलना है, साइड में, ठीक है, यहाँ पर साइड में चलना है, यहाँ पर अभी साइड में चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एडिट का ऑप्शन, तो एडिट पर चलना होगा। ये देखिए एडिट पर चलने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा स्टाइल, स्टाइल पर चलना होगा। स्टाइल पर चलने के बाद आपको कलर का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, कलर हमें अच्छा लाल अच्छा लग रहा है तो लाल ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टी 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 दिख रहा है रंग पे, तो जो आपको अच्छा लगे, हम यहाँ पर फोर ऑप्शन वाला क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए कितना गजब का लग रहा है दोस्तों, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। बस वीडियो थोड़ा बड़ा है पर अच्छा होना चाहिए ना, तो टाइम तो लगेगा ही, तो यहाँ पर सही कर देना है, आपको सही कर देना है, ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है, तो इसे आप लोग जहां भी रखना चाहते हैं वहां रख दीजिए। तो हम यहाँ पर ऊपर रख दे रहे हैं साइड में, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई लव नेचर। मैं एक बार वीडियो चला के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कितना अच्छा वीडियो बना है। देख लीजिए कितना बेहतरीन वीडियो बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें कि वीडियो को सेव कैसे किया जाता है इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सपर्ट का ऑप्शन, ये देखिए एक्सपर्ट, यहाँ पर देखिए ऊपर, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट, ठीक, यहाँ पर चलना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो होने लगेगा सेव। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का आप लोगों को हम नाम भी नहीं बताए हैं, तो बता दे रहे हैं आप लोगों का नाम, इसका नाम है बीटा ऐप। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर बीटा लिखिए, जल्दी से आप लोग डाउनलोड करिए, वो वीडियो हो जाएगी डाउनलोड प्ले स्टोर से आप लोगों का। इसका नाम हम लोग वीडियो में ही हम बता दिए थे शुरू में ही, ताकि आप लोग भी जान जाएं, पर अभी बता रहे हैं, जाइए प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।